हाँ दोस्तों, ये हमने तीन कलर का डिज़ाइन को प्रिंट किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें हमारा डॉटिंग इफेक्ट है। एक नंबर भी हमारा ब्लैक कलर की डॉटिंग है। जो दो नंबर वाला कलर है हमारा डॉट है पर्पल सा, आपको दिख रहा होगा ब्लैक के साथ साथ। और जो तीन नंबर है हमारा ब्लॉच कलर है, लाइट कलर है, जो लाइट ब्लू सा वो हमारा ब्लॉच कलर है जो भी इसमें प्रिंट हो रहा है। इस डिज़ाइन को डॉटिंग इफेक्ट जो है हमारी जो आउटलाइन है इनके साथ साथ जो हमारी टहनियाँ हैं उसी के ऊपर लीफ के नीचे जो हमारा बाउंड्री से बाहर हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ऑफ आउटफिटिंग। जैसे हम बोलते हैं कि आउटफिटिंग क्या होता है, ये हमारी आउटफिटिंग है। जो डिज़ाइन हमारी डॉटिंग इफेक्ट है बाहर है, नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं पता होता कि आउटफिटिंग क्या होती है। जो डिज़ाइन हम प्रिंट करते हैं ये इसमें ये आउटफिटिंग होता है, जिसके भी आप हम बोल सकते हैं कि कपड़ा हमारा रिजेक्ट है, ये आके हमारा अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें सैंपल अभी प्रिंट किया हुआ है, इसकी हमें बल्क प्रिंट करना है। अगर बल्क में हमारा ऐसा कुछ आ रहा है तो ये रिजेक्ट है, हम बल्क इसको नहीं प्रिंट करेंगे। प्रोडक्शन में हमें ऐसा नहीं चलेगा, क्वालिटी हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। डिज़ाइन भी हमारा फिटिंग में प्रॉपरली होनी चाहिए, जैसा कि हम प्रिंट करते आ रहे हैं। मोस्टली डिज़ाइन हमारी कोई भी आउटफिटिंग नहीं होती है। इन रेयर केस में कोई ऑप्शन या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आउटफिटिंग हो जा रहा है, देन हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बल्कि हम प्रिंट नहीं करते हैं। क्योंकि आउटफिटिंग सबसे बड़ी नेगलिजेंसी होती है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा आगे प्रोसीड नहीं होता है, आउटफिटिंग अलाउड नहीं होती है। क्योंकि कोई भी बल्क प्रिंट, कोई भी प्रिंट होता है उसमें ज़रा से भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आगे हमारा कपड़ा होल्ड हो जाता है, जिससे वो पैकिंग में रुक जाता है। दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है एक बार आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने नंबर ऑफ़ कलर्स है, ये आपको थ्री कलर्स हैं जो कि दिख रहा होगा। नंबर ऑफ़ थ्री कलर्स हमने इसमें प्रिंट किया हुआ है। इस डिज़ाइन में लुक अच्छा है, डिज़ाइन की पैटर्न भी अच्छे लग रहे हैं हमें। बाकी आपको कैसा लगता है एक बार क्लियर करिएगा। ये हमारा पिगमेंट प्रिंट होता है, पिगमेंट प्रिंट होने के बाद हमारा ये पॉलीमराइज क्यूरिंग करते हैं, पॉली करते हैं, जिससे हमारा कलर ये फिक्स हो जाता है कपड़े का। और ये हम सिंगल जर्सी कॉटन पर प्रिंट किया हुआ है इसको, जिससे हमारा ये कलर प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा पॉलीमराइज होने के बाद हम इसको स्टैंडर से बाईपास करके सॉफ्टनर कर देते हैं। सॉफ्टनर हमारा, सॉफ्टनर के बाद ये हैंड फील आ जाता है। सॉफ्टनर इसलिए करते हैं कि हमारा कपड़ा प्रॉपर फील दे, उसमें हैंड फील सा है। क्योंकि बहुत से बायर को हैंड फील बहुत रिक्वायर होता है, इसलिए उनको दो बार सॉफ्टनर भी करना होता है, या डोजिंग ड्राई करके फिर सॉफ्टनर करते हैं, या सॉफ्टनर करके रिपीटेड अगेन सॉफ्टनर करते हैं, जिससे उसकी फील प्रॉपरली हो सके। रफनेस बिल्कुल नहीं उनको चाहिए होता है कि कपड़ा, कपड़े में प्रॉपरली सॉफ्टनर होना चाहिए। फिर सॉफ्टनर के बाद हमारा फिर वही सेम प्रोसेस बाकी अदर कपड़ों के जैसे ही, फिर कॉम्पैक्टर होता है, कॉम्पैक्टर के बाद फिर रोलिंग और पैकिंग एरिया में पहुंच जाता है। जो हम इसका पॉलीमराइज करते हैं, पॉलीमराइज हमारा होता है 150 से 8 मिनट हम इसको पॉली करते हैं, 155 से 160 की रेंज में रखते हैं, जिससे कि हमारा टेम्परेचर भी लग जाए। और कपड़े की जो वाइटनेस है, वाइटनेस को देखते हुए हमें काम करना है। और इसमें जिस डेप्थ, जिसकी हमारी डेप्थ जो होता है 4-5% से अबव है, तो उसमें हम करते हैं क्या कि जो उनकी वाइंडर परसेंटेज हो वो उनको इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे हमारा कलर ब्रीड ना होने पाए और रविंग फास्ट में बिल्कुल ओके है। ये सब केयर करते हुए फिर हम बल्क को प्रिंट करते हैं, जैसे हमारा कपड़ा किसी स्टेज पे भी नहीं रुकना चाहिए और आगे प्रोसीड हो जाना चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कपड़ा आता है, रिसीविंग होती है, देन हम कलर को प्रिपरेशन करते हैं। कलर प्रिपरेशन के टाइम में हम वाइटनर को इंक्रीज कर देते हैं अगर परसेंटेज ऑफ डेथ हमारा कलर का ज़्यादा होता है। ठीक है जी, ओके गाइस, थैंक यू।
डिज़ाइन आपको कैसे लगेगा एक बार बताना, ज़रूर लाइक करिएगा।